वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री उमाशंकर जी गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के द्वारा सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह जिला मुख्यालय स्थित वृद्धाश्रम में जहां सभी वैश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष, संभागीय प्रभारियों और जिले के अध्यक्ष और प्रभारियों के माध्यम से केक काट करके उनके जन्मदिन की खुशियां मनाई गई, तो वहीं बुजुर्गों को सुस्वादु भोजन भी कराया गया। सेवा सम्मान दिवस के अवसर पर वृद्धों का सम्मान भी किया गया और सेवा प्रकल्प के तहत यह आयोजन आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वैश्य महासम्मेलन से जुड़े सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। आज वैश्य महासम्मेलन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदरणीय उमाशंकर जी गुप्ता का 24 जून को हर साल की तरह हर जिले में हम लोग सेवा अवसर, सेवा सम्मान दिवस के रूप में उनका जन्मदिवस मनाते हैं। आज सेवा भाव की वजह से हम लोग तारतम्य में उनका वृद्धजनों को सम्मान से भोजन करा रहे हैं। हर साल की तरह हमारा व्यस्त बंधु यहाँ आता है और उनके सम्मान में भोजन करवाते हैं। ये हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी के में व्यस्त दिवस का मनाते हैं। सम्मानीय उमाशंकर जी गुप्ता जो वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं को और बुजुर्ग दादाजी लोगों को खाना खिलाने का काम आज वैश्य महासम्मेलन की युवा इकाई जिला समूह द्वारा किया जा रहा है। उसी के तारतम्य में हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं वृद्धाश्रम में और आदरणीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन को लेकर केक भी काटा वैश्य महासम्मेलन के सभी पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने। इसी तारतम्य में हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम हम करते हैं। प्रतिवर्ष वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई द्वारा 24 जून को सम्मान दिवस सेवा प्रकल्प के रूप में मनाया जाता है। आज चूंकि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमाशंकर जी गुप्ता जी का जन्म दिवस है, तो इस वर्ष युवा इकाई के रूप में प्रत्येक जिले में मध्य प्रदेश के युवा इकाई द्वारा यह आयोजन किया जाता है। यह सेवा सम्मान हम मनाते आ रहे हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। इस अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता जी के जन्म दिवस पर युवा समिति की तरफ से केक काटकर एवं वृद्धों आश्रम में हमने खाना का आयोजन किया है, जिसमें सभी इकाइयों का सहयोग रहा है। उमाशंकर गुप्ता जी का जन्मदिन है, वो जिए हजारों साल, साल के दिन 50,000। हम सब लोग उनके लिए बधाई देते हैं। आज वृद्धाश्रम में उसी उपलक्ष्य में हमने वृद्धों को खाना खिलाया है और केक काटा है। हमारे उमाशंकर जी का जन्मदिन है और हम सभी वैश्य समाज की महिलाएं और हमारे सब भाई और तरुण सभी लोग आकर वृद्धों को खाना खिलाया है और उनके जन्मदिन में केक काटा है। जिए हजारों साल, भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आज भैया जी का जन्मदिन है श्री उमाशंकर जी गुप्ता जी का, तो हम लोगों ने यहाँ सम्मान दिवस के रूप में मनाया। वृद्धाश्रम में सबसे पहले वृद्धों का सम्मान करके इस दिन की शुरुआत की है। यहाँ वृद्धों को भोजन, उनका मनपसंद भोजन तैयार करके लाए हैं, तो वो अपने हाथों से परस के आज खिला रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनका सम्मान करके, उनसे आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। इसी तरह हम लोग हर बार, हमारे भैया बहुत हजारों साल तक जिए हैं और हर बार हम लोग ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहे हैं उनका।
हमारे भैया जी का जन्मदिन है उमा शंकर जी का, तो हमने केक काटा है और हम उनको बहुत बधाई देते हैं कि वो इसी तरह हजारों साल जिए और हम इसी तरह उनके उपलक्ष्य में छोटे छोटे कार्य करते रहे। और वृद्धाश्रम में हम लोगों ने आज खाना वितरित किया है, बस यही दुआ है भगवान से कि वो हजारों साल जिए। जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई।